नमस्कार, मैं हूं स्नेहा पात्रो और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से बागी होकर सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। भाजपा प्रत्याशी रघुवर दास को हराने में सरयू राय कामयाब भी रहे। इस बार लोकसभा चुनाव में जेएमएम में वही भूमिका लोबिन हेमरम निभाना चाहते हैं। राजमहल से अपनी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार विजय हाजदा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की लोबिन ने घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, विधायक चमरा लिंडा भी लोहरदगा सीट से निर्दलीय लड़ने के कयासों में है। यूं तो झामुमो में बगावत का जो दौर था वो सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने ही शुरू कर दिया था। इसके बाद अब लोबिन हेमरम ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और विपक्षी बयानबाजी भी इसमें तेज हो चली है। पहले आपको विधायक लोबिन हेमरम के तल्ख तेवर दिखलाते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। लोकसभा राजमहल में आप पता करिए, बहुत सेंस आपका है। अगर विजय हाजदा जीतने वाला कैंडिडेट है तो लोबिन हेमरम कुछ नहीं बोलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आप कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिले। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है। लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बचाने का हम काम करेंगे। और भी अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए पूरे झारखंड में एक माननीय सांसद विजय हाजदा है। राजभवन लोकसभा सीट कैसे बचेगा, वहाँ हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे मान सम्मान बचेगा, वहाँ का झंडा कैसे बुलंद लहराएगा, मैं इसकी चिंता करता था। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद विरासत मिला हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ये जेल जाने के बाद विरासत बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। और आज हेमंत सोरेन गद्दी में रहने के बाद क्या सीता सोरेन को गद्दी में नहीं बैठा सकते थे? क्यों नहीं हुआ? क्यों बड़ी बहू घर से निकल गई? कौन संभालेगा, कौन समझाएगा उनको? घर के लोग कहाँ हैं? देखिए, जेएमएम कांग्रेस में पलायन पूरे देश स्तर पर हो रहा है। कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज आप देखिए, गीता कोड़ा जी कांग्रेस की सांसद थी, भाजपा में आई। उनकी जेएमएम में सीता सोरेन जी विधायक थी, वो भाजपा में आई। और अगर वे अपने विधायकों को, चाहे वो लोबिन हेमरम हो, चाहे चमरा लिंडा हो, चाहे जिनको पार्टी में टिकट देंगे इस बात को लेकर वो ज्वाइन कराए हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर आपने कोई किसी से वादा किया है तो वो वादा को आपको निभाने का जब समय आया है तो आप नहीं निभा रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश है। और लोबिन हेमरम जी तो जब से विधायक बने हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जो जो सरकार से वादा चुनाव के पहले जनता से वादा किया गया वो वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये सरकार तो लगातार 1932 का खतियान की बात हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, चाहे विस्थापितों को जमीन लौटाने की बात हो, लोबिन हेमरम जी हमेशा प्रखर वक्ता के रूप में सरकार के काम में जो नींद से सोई हुई है उसको जगाने का प्रयास किए। अब सरकार उनकी बातों को धैर्यपूर्वक नहीं सुनी, उनकी मांग नहीं रखी, तो आज वो चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं। झामुमो ने एक तो देर से प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन दूसरी लिस्ट जारी होते ही बगावत के आवाज बुलंद होने लगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बटर सिंह देओल झामुमो से और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जुड़ गई है हमारे साथ शोभा यादव जी। तो पहला पक्ष आपका लेंगे बटर सिंह जी। पहले लोबिन हेमरम नाराज चल रहे थे, अब तो पूरी तरह बगावत में मोर्चा खोल दिया है। सीता सोरेन ने सबसे पहले बगावत का ये सुर छेड़ा था, अब लोबिन हेमरम, चमरा लिंडा भी चर्चे में है। कहां चूक खा रही है आपकी पार्टी जो अपने विधायकों को बांध कर नहीं रख पा रहे हैं? पहले तो पार्टी कहीं चूक नहीं खा रही, और जो कोई नेता अगर अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे और पार्टी को डिक्टेट करने लगे कि हमको ऐसा करो, हमको ऐसा करो, कि हम ही हम है तो हम क्या क्या हम है, और वो समझने लगे कि उसी के बदौलत पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं वो कोई खाप में जी रहे हैं। पार्टी नेता देखिए कार्यकर्ताओं के बल पे है, और जेएमएम का जो कैडर है उन्होंने लोबिन हेमरम को नेता बनाया, पर लोबिन हेमरम को शायद ये एहसास हो, मतलब ये अपना उन्होंने गुमान कर लिया है कि उनके कारण जेएमएम के कार्यकर्ता, तो देखिए उनका
मैंने आपको पहले कहा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कि इंडिया इज अ फ्री कंट्री, देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि अगर आपको किसी पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा है, दम घुट रहा है, तो आप जा सकते हैं। और दूसरी बात, मैं देखिए हिपोक्रेसी और हास्यास्पद पर बात क्या है कि अभी आपने एक बाइट चलवाई, हमारे मित्र हैं नवीन जायसवाल, बहुत बचपन के हमारे दोस्त हैं, हम लोग साथ में पढ़े बड़े हुए हैं हम लोग साथ में, तो वो बोल रहे थे कि पार्टी संभाल के नहीं रख सकती, और वैसा आदमी आरोप लगा रहा है जेएमएम को कि जिसने खुद बाबूलाल जी की पार्टी छोड़ के जेबीएम में थे शायद वो, और आज बीजेपी में है, तो इसका मतलब वो तो डायरेक्टली, और जेबीएम के उस समय सुप्रीमो थे बाबूलाल मरांडी, तो वो तो डायरेक्टली बाबूलाल मरांडी जी की लीडिंग कैपेसिटी पे उन्होंने एक हल्के से चुटकी काट ली कि देखिए बाबूलाल मरांडी तो अपनी पार्टी ही नहीं, पार्टी का विलय हो गया, पार्टी ही टूट गई। तो बोलने के लिए, इसलिए किसी पे उंगली उठाने से पहले एक उंगली उठाओगे तो चार उंगली अपने तरफ उठती है, तो ये सब बोलने से बचना चाहिए। इलेक्शन का समय है, उनको लगा कि उनको टिकट मिलना चाहिए था, वो सोच रहे हैं कि मैं जीत सकता हूं, पर उनको हमारा जो सिटिंग एमपी थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हमारी पार्टी को लगा कि वो वही हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, और दिल्ली में जिस तरह से वो पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीचेस दी हैं, तो हमको लगा कि वही ठीक है, तो हमने उनको दिया, ये पार्टी का डिसीजन है, अगर वो पार्टी के डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं कि आपके जो सीटिंग सांसद हैं वो असल में जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो सांसद है वो सांसद का ठेकेदार ज्यादा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये रिपोर्ट किसकी है, रिपोर्ट ये कौन बोल रहा है? मैं भी तो बोल रहा हूँ मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो हटवा दिया, हटा देंगे मोदी जी को क्या? देखिए वहां जनता ने ये बातें रखी थी सामने, पार्टी में भी राय शुमारी होती है, पार्टी इतनी कोई हवा में नहीं चलती है, पार्टी भी सब 10 तरह की चीजें सोच के किसी को टिकट देती है। बीजेपी वालों ने क्या बिना सोचे और बिना राय शुमारी किए टिकट दिया किसी को? हम वो ऐसे नहीं है कि हटा देंगे किसी को, इन्होंने तो दे के दुमका से हटा लिया। हमने कहा, हमने आरोप लगाया इन पे, कुछ नहीं आरोप लगाया ना, हम अपनी पार्टी अपने चला रहे हैं, बीजेपी वाले फ्री हैं अपनी पार्टी अपने से चलाएं, पर एक दूसरे पे टीका टिप्पणी। लेकिन विजय हाजदा को टिकट देने का विरोध तो पहले से चल रहा था ना बटर सिंह जी, विजय हाजदा को टिकट देने का विरोध तो बसंत सोरेन ने भी किया था, नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी ने भी किया था। किसको देने के लिए? विजय हाजदा को टिकट देने के लिए। ये आपको कैसे पता चल गया? एक पाइप देख चलवा दो आप, तो भाई कैमरे वाले हो, कहीं तो किसी पे कैमरे पे कहा होगा उन्होंने, प्लीज हमको चलवा दो, मैं तो नहीं जानता हूँ। आपकी बात मान जाऊंगा मैं, आपके साथ आपकी बात, मैं जितनी बातें मैंने बोली सब वापस ले लूंगा, एक बाइक चलवा दीजिए प्लीज। बिल्कुल, लेकिन ये विरोध जो है सिर्फ आपके नेता मंत्रियों की ही नहीं है, जनता का भी विरोध था। जब कल्पना सोरेन उधवा दौरे में थी तब जनता ने एक लिखित आवेदन दिया था। अरे तो भाई आपको मालूम है ना टिकट कैसे मिलता है, एक एक सीट के लिए, बीजेपी की एक एक सीट के लिए मुझे पता है कि चार चार उम्मीदवारों के नाम दिल्ली गए थे, कैसे चार आदमी नाम आ गए? जनता ने ही क्या होगा ना, कुछ जनता ने इसको प्रोजेक्ट किया होगा, किसने इसके, पर डिसीजन किसका था फाइनल? क्यों नहीं चेंज कर दे रहे? विरोध हुआ ना चतरा के सीट का, चेंज करवा दीजिए बीजेपी से। क्यों सीता सोरेन को टिकट दिया, सुनील सोरेन को क्यों हटाया गया, वापस ले आइए। चलिए जवाब ले लेते हैं, शोभा जी आपका पक्ष नहीं हो सकते, हमारी पार्टी है हमको चलाने दीजिए, आपकी आपके सुझाव से हम अपनी पार्टी नहीं चलाएंगे। झामुमो एक तरफ बिखर गई है, इनके विधायक पूरा बगावती, आप इनकी बड़ी बहू थी सीता सोरेन, आपने देखा होगा कि वहां पे उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, अपनी सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी में आने का जो उन्होंने आई और उनको सम्मान मिला, तो अपनी पार्टी की बात ये नहीं करते, देश विदेश और दूसरे लोगों की बात करते, पहले ये बताना चाहिए कि आपके अपने पार्टी के विधायक लोबिन हेमरन ने जिस तरह से पार्टी के कामों में, उनके संगठन में और उंगली उठाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले इन बातों पे आना चाहिए। साफ तौर पे लोबिन हेमरन ने कहा कि उन्होंने कहा कि वहां पे कुछ भी नहीं चल रहा, कौन पार्टी चला रहा, कौन घर चला रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए तो बसंत सोरेन होना चाहिए था, तो ये कल्पना सोरेन को किसने उत्तराधिकारी बना दिया? वो साफ तौर पे सवाल कर रहे हैं, पार्टी के अंदर खलबली मचा हुआ है, पार्टी टुकड़ों में बट गई है, एक टुकड़ा में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का है, तो दूसरे बसंत सोरेन का गुट बन गया है,
एक तरफ पार्टी एक तरफ तहस नहस उसकी हो गई है, आपस में लड़ रहे हैं, ये पब्लिक और जनता के क्या कल्याण की बात करेंगे। और उन्होंने लोबिन होमरे ने यह भी बात कहा कि जो घोषणा पत्र में इन्होंने जारी किया एक भी उस पे पूरी तरह इन लोगों ने खरे नहीं उतरा। अभी 4.5 साल खत्म होने आ रहा, एक भी घोषणा पत्र में जो इन्होंने अनाउंस किया था एक भी घोषणा पत्र का इन लोगों का जो कार्यक्रम था जो इन लोगों का दिया हुआ घोषणा पत्र में था कुछ भी नहीं किया। तो इनके अपने विधायक इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो ये आप उनकी बात ना करके इधर उधर बात करते हैं, इनको कहिए जिला प्रवक्ता जी से कम भी फोकस तो करें कि लोबिन हेमरेन ने उंगली उठाया संगठन में रहते हुए, जबकि वो कहते हैं कि आप हमको पार्टी से निकाल दीजिए, लेकिन मैं झामुमो का समर्थक हूँ, शिबू सोरेन का समर्थक हूँ और बसंत सोरेन का समर्थक हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा और हम झामुमो का ही कल्याण करेंगे। ऐसे वो कार्यकर्ता और ऐसे पार्टी के समर्पित नेता को इन्होंने इग्नोर करने का काम को, उस बात पे आपको बोलना चाहिए। आप इधर उधर बाबूलाल जी तो कभी लाल पहले अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। ठीक है, लोबिन हेमरम ने यह कहा है कि जेएमएम ने जो है नीति और अपने सिद्धांत जो है खो दिए, सीता सोरेन ने भी ये बात कही थी। बटर सिंह जी आपका जवाब लेंगे इस पर। देखिए जो जब उन्होंने मन ही बना लिया इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तो कुछ तो रीजन देना होगा। जेबी पटेल, जेबी भाई पटेल आए हैं बीजेपी से छोड़ के, उनसे भी एक बाइट अचानक मन नहीं बनाया ना, काफी समय से नाराज चल रहे थे, काफी बगावती पहले से तेवर बगावती तेवर के रहे हैं। आपको नहीं लगता एक बार बात सुन लेते उनकी नाराजगी दूर हो जाती? नहीं तो आपको क्या लगता है कि उनकी बातें सुनी नहीं गई? बाकी पूरी पार्टी झारखंड की गलत है तो ऐसा तो नहीं है। हम मोदी थोड़ी हैं कि जो मुंह से निकल गया वही सही, बाकी देश कुछ नहीं। और तो हैरानी हो रही है कि इन्होंने कब से जेएमएम ज्वाइन कर लिया, हमारी बहन ने बीजेपी की प्रवक्ता बन के आई है और ये जेएमएम के लिए बातें कर रही है, कितना दर्द है इनको जेएमएम के विधायक के लिए। हमने 32 का खातियान और जो रिजर्वेशन किया है लोकल के लिए वो अपने चल के राज्यपाल जी से कहते जल्दी पास कर दीजिए, भाई हम लोग सब एक है, हम लोग में तो कोई डिफरेंस नहीं है, जेएमएम के जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लोबिन हेमरम ने बोला ना भाई कि लोकल को ये दीजिए और राज्यपाल जी ने रोक दिया। भाई सरकार क्या कर, आप एक बात बताओ सरकार क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सरकार का है कानून बनाना, पर उसके ऊपर एक बैठा दिया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कॉल्ड गवर्नर जिनको साइन करना है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट को साइन करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छा सा इनके लिए डिस्क्रिशनरी पावर कह के रखा गया है कि कितने दिन भी ये लटका सकते हैं कोई को। तो गलती हमारी है, हमने पास कर दिया, हम जनता को जो वादा करके आए थे हमने सारे विधायक पास किए, पर इनके गवर्नर साहब पास नहीं होने दे रहे। अब वो हमें सिखा रहे हैं, उनका काम खाली ये है कि अगर सहमत नहीं है वापस भेजो, उन्होंने प्रेसिडेंट को भेज दिया, लटकाने का काम क्यों कर रहे हो भाई? हम अगर गलत कानून लाए हैं जनता हमको मार के भगा देगी, उतार देगी सीट से, सिंहासन खाली करो, जनता आई है। दुष्यंत जी ने कहा था ना भाई, देखिए 1932 बड़े बड़े प्रधानमंत्री को जनता ने उतर मार दिया सीट से, इंदिरा गांधी से ज्यादा पावरफुल कोई था क्या? इंदिरा गांधी को उतारना पड़ा, काम नहीं किया ये आरोप है। क्या काम नहीं किया हमने 1932 खातियान और अरे तो किसके पास पड़ा है वो? है, पेसा एक्ट की बात कहते हैं लोबिन हेमरम, उनका आरोप है कि जेएमएम इस पर काम नहीं कर रही है इसलिए शायद वो जो है बागी हो गए। जो हमने विधेयक पास किया उसमें लोबिन जी ने वोट दिया कि नहीं विधानसभा में उसके फेवर में? क्यों किया उसके फेवर में? वही बोल देते कि हम नहीं कर रहे, गलत कानून आप पास कर रहे हैं। उनकी वोट किस तरफ थी? बीजेपी की वोट अगेंस्ट में थी, और आज बीजेपी रोना रो रही है कि जेएम काम नहीं कर रही है। और ये हमारी बात नहीं है, जेएमएम पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी की एक मर्यादा होती है, पार्टी का एक गवर्निंग बॉडी है। और कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिलेंगे? कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी की वाइफ है, उनकी अभी उनको रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारी फ्यूचर की लीडर है। इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई? मतलब इतना फ्यूचर की लीडर है, अभी तो पार्टी में कोई पद दिया नहीं है आप लोगों ने, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों ने मान लिया है कि सीएम की उम्मीदवार हो सकती है कल्पना सोरेन। देखिए सीएम नो सीएम की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूँ हमारी फ्यूचर लीडर है पार्टी की, बना सीएम बनना नहीं बनना वो जो सीधा बात है, जो जीत के जाते हैं विधायक
मुख्यमंत्री जी ने अभी दो दिन पहले एक चैनल के कॉन्क्लेव में क्लियर कहा, उनसे क्लियर टर्म से पूछा गया कि गांडे चुनाव के बाद क्या, उन्होंने यही कहा कि पहले भी मुझे सीएम विधायकों ने बनाया है और आगे भी अगर विधायकों की राय रहेगी तो मैं सीएम रहूंगा, अगर विधायकों की राय नहीं रहेगी तो मैं सीएम नहीं रहूंगा। और यही कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, मोदी जैसे नहीं है कि फूटा गाड़ के कर दिए, कोई विधायक को चाहे कोई कुछ बोले, सांसद किसी की औकात नहीं है जो कि हेमंत सोरेन के बार उत्तराधिकारी बनाया जाए, सिर्फ उनकी पत्नी को ही बनाया गया, क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? झामुमो में बोलते हैं लाखों कार्यकर्ता, तो एक भी कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आया जो उत्तराधिकारी बने? क्या ऐसा लोबिन हेम्ब्रम क्यों नहीं बन सकते थे उत्तराधिकारी? सिर्फ कल्पना सोरेन ही क्यों? उन्होंने जो सवाल उठाया है पहले उनपे उनका जवाब दीजिए आप। अरे तो हम बोलते हैं कि नितिन गडकरी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोदी क्यों? आप झारखंड में आइए, पहले झारखंड की बात कीजिए। अरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, तो एनर्जी दे रहा हूं। आपके अपने कार्यकर्ता और विधायक हैं आपके, आपके समर्पित कार्यकर्ता हैं। और हमने हेमंत सोरेन के चेहरे को देखकर वोट मांगा था और जनता ने हेमंत जी को वोट देके सीएम की कुर्सी पे बैठाया था, है ना? अब आगे अगले विधानसभा में हम जिसको प्रोजेक्ट करेंगे, जनता को पसंद आएगा तो हमको वोट देगी, नहीं आएगा तो वोट नहीं देगी। हम आपसे परमिशन लेने जाएंगे कि हम किसको बनाएं। देखिए ऐसे कई आरोप लग रहे हैं, कई सवाल भी उठाए गए हैं, जो भाजपा विधायक हो चुके हैं लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। इसी कारणों के कारण सीता सोरेन ने जो है वो जेएनएम का दामन छोड़ दिया, परिवार से अलग हो गए। अध्यक्ष बताइए कब कूद रहे हैं कुतुब मीनार से, पहले अपनी बातें कीजिए। जो 4.5 साल झारखंड को लूटने का काम किया उस पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी सहानुभूति वोट के लिए जगह जगह रो रही है। तो हमने अगर झारखंड को तो जनता हमको सजा देगी, आदिवासियों का जमीन को लूटने का काम किया, झारखंड की जमीन को लूटने का काम किया, सेना की जमीन को उन्होंने अपने नाम से करवाने का नाम किया। माइक मेरा सवाल यही रह गया, बालू लूटने का काम किया उनको, कल्पना सोरेन जी को ये बोलने में शर्म महसूस हो रही कि मेरे पति ने मुख्यमंत्री का बटर सिंह। मेरा सवाल ये था कि क्या इसी कारणों के चलते, जो ठीक है आप लोगों ने प्रतिनिधित्व बनाया है कल्पना सोरेन को, और लेकिन आप एक तरफ से ये कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ विधायक है वो जाके टिकट के लिए कल्पना सोरेन से मिले। अच्छा पार्टी में तो आप लोगों ने कल्पना सोरेन को कोई पद दिया नहीं है, लेकिन फ्यूचर लीडर एक तरफ से घोषित कर दिया है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि क्या इन्हीं कारणों की वजह से सीता सोरेन ने भी जेएमएम का दामन नहीं छोड़ दिया? सीता सोरेन ने जी ने क्यों छोड़ा, सीता सोरेन जी ने तो बता दिया कि उनको लग रहा था उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। हमने कहा कि हमने तो भारी इज्जत दी भाई, 3 बार विधायक बनाया, पर उनको एमपी बनना था। लोबिन हेम्ब्रम भी वही कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी बसंत सोरेन को बनाते या फिर दुर्गा सोरेन के निधन के बाद सीता सोरेन को उतारते, राजनीति में पहले से उनका तो नहीं, मैं पार्टी छोड़ दूंगा तो पार्टी ऐसे थोड़ी चलती है, पार्टी ऐसे थोड़ी चलती है, पार्टी से बड़े हैं लोबिन हेम्ब्रम, आप बता दीजिए बीजेपी बड़ी है कि मोदी जी बड़े हैं, प्लीज हमारी प्रवक्ता जी से पूछ लीजिए। लेकिन कार्यकर्ता से पार्टी होती है ना सर? हाँ तो कार्यकर्ता से पार्टी होती है, नेता से नहीं होती है पार्टी। कार्यकर्ता हमारे आके यहाँ ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने जो एक्चुअल दुमका के राजमहल के कार्यकर्ता, उन्होंने बता दिया कि विजय हांसदा अच्छा काम करे उनके पास रहने दीजिए। ठीक है तो विजय हांसदा को टिकट तो दे दिया है, लेकिन अब कहा जाए तो कंपटीशन में अब लोबिन हेम्ब्रम भी उतर चुके हैं, निर्दलीय अगर लड़ते हैं तो विजय हांसदा के लिए इस बार चुनौती होगी या नहीं? नहीं मेरी बात सुनिए, कौन ऐसी पार्टी है वो जो जानते बूझते आत्महत्या करेगी कि हमको पता है कि मेरा कैंडिडेट हार जाएगा बट हम इसी को देंगे, हम क्या दुश्मनी है मेरी लोबिन हेम्ब्रम जी से? तो लोबिन हेम्ब्रम को देते तो वो हार जाते। पार्टी चलाना बच्चे का खेल तो नहीं है, पार्टी चल रही है। लोबिन हेम्ब्रम को टिकट देते तो क्या जेएमएम हार जाती? लोबिन हेम्ब्रम अपने मुंह से बोल रहे हैं, अपने मुंह मियां मिठू, वो चाह रहे थे चुनाव लड़ना, चाह रहे थे। अरे मैं भी चाहता हूँ मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, बना देंगे। तो कहने का अर्थ यही है ना कि लोबिन हेम्ब्रम को अगर टिकट दी जाती राजमहल से तो कार्यकर्ता नहीं है वो विधायक है, और एक विधायक जब पार्टी के अंदर आवाज उठाते हैं तो गंभीर मामला होता है। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि बीजेपी का बी टीम है, पर इस बार ताला मरांडी जी के किस्मत पे ताला लगेगा आप देख लीजिएगा।
चलिए, बड़ा आरोप आप देख रहे हैं शोभा जी, इस पर सवाल भी उठता है क्योंकि अब ताला मारंडी को आप लोगों ने उतारा है बीजेपी की ओर से प्रत्याशी, लेकिन अब लोबिन हेमरम भी जो है इस रेस में जुड़ चुके हैं। लोबिन हेमरम जमीनी नेता है, विजय हाजदा जो विपक्ष में है, तीसरी बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, कितनी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए? वह देखिए, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि हम लोग अपने कार्यों के बल पे ही जा रहे हैं लोगों के पास कि भाई हमने इतने साल तक आपके जनता के लिए काम किया। और लोबिन हेमरन अगर किसी के लिए चुनौती होंगे तो वो झामुमो के लिए होंगे, उनके विजय हांसदा जी के लिए होंगे, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि ये नेता कम व्यापारी हो गए हैं विजय हांसदा, तो वो उन लोगों का उनका उनका सामना झामुमो से है और झामुमो का सामना लोबिन हेमरन से है। बीजेपी के लिए कोई भी चुनौती नहीं है और बिल्कुल साफ है, जनता जो चाहेगी जनता जनार्दन होती है। और जनता, हम लोग मोदी जी के काम जो लगातार वो काम कर रहे हैं उनके बल पे हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि उनके कार्यों को देखते हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी के काम को देखते हुए, पूरी जनता, राजमहल की जनता या पूरे झारखंड की 14 लोकसभा की जनता हमारे भाजपा को ही वोट करेंगे। ठीक है, राजमहल सीट की तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जेएमएम में जहां बगावत है वही एनडीए में भी तो नाराजगी है शोभा यादव जी, क्योंकि जो दुमका की सीट थी वहां सीटिंग सांसद से एक तरफ से सीट छीनकर आप लोगों ने टिकट जो है सीता सोरेन को दे दिया, मतलब एक अच्छा विकल्प मिला तो पहले चयन को छोड़ दिया। देखिए, बीजेपी बहुत अनुशासित पार्टी है, आपने कभी कोई देखा कोई कि भाई यहाँ उनको हटाकर, या कुछ कारण हो सकता है, कुछ उनका स्वास्थ्य कारण हो सकता है, कुछ अंदरूनी संगठन का कारण हो सकता है, तो या फिर एक नाराजगी क्यों है पार्टी में, कोई भी कारण हो सकता है। एक महिला को जो इन्होंने इतना ज्यादा प्रताड़ित करके रखा था, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी थी, वो भाजपा में अपने सम्मान के लिए आई, तो उनका सम्मान की बात थी इसलिए हटाया। और कभी किसी ने आपने देखा कि उन्होंने पार्टी विरोध में किसी ने बात किया? ये बहुत अनुशासित पार्टी है, जो भी लोग मिल बैठ के तय करते हैं वो हम लोग मान लेते हैं। ये रीजनल पार्टी नहीं है कि दो तीन विधायक आपके अपने विधायक कहते हैं कि हम यहां से लड़ेंगे, हम वहां से लड़ेंगे, आप टिकट डिसाइड करते हैं सीट कि 4 सीट हम लड़ेंगे, तो आपके अपने विधायक कहते हैं कि मैं वो 2 सीट हम मैं लड़ूंगा। ये बगावती जो है ये रीजनल पार्टी झंगुओं का काम है, ये बीजेपी का नहीं। बीजेपी बहुत अनुशासित पार्टी है, एक महिला को सम्मान देना कोई गलत नहीं। चलिए, बीजेपी तो ये कह रही है कि काफी अनुशासित पार्टी है और महिला सम्मान में जो है एक सीटिंग सांसद की जो टिकट है वो सीता सोरेन को दी गई है। बटर सिंह जी जवाब देंगे। नहीं तो देखिए, सीता सोरेन बीजेपी में जाने का और तुरंत टिकट मिलने का मतलब ही था कि लालच देके अपने पास लेके गए हैं। और दूसरा है कि जब चतरा से कालीचरण जी को टिकट मिला तो 300-400 पूरा रोड जाम हो गया, घेर लिया लोगों ने आके बीजेपी का ऑफिस कि गलत आपने किया है। अभी तक आपको कोई न्यूज मिला कि जेएमएम का कहीं कार्यालय घेरा गया कि लोबिन जी को क्यों टिकट नहीं मिला? दिखा दीजिएगा कहीं हमको। लेकिन लोबिन जी के जो समर्थक है वो अगर निर्दलीय चले गए तो आप मानते हैं ना कि वोट जो है वो भी ज्यादातर उन्हीं के हिस्से में जाएगा? अरे, और सबसे बड़ी बात है, हमारी बहन बीजेपी की बोल रही है कि ताला मरांडी मतलब जीत रहे हैं कोई है, तो फिर इनको टेंशन किस बात की है? इनके लिए तो और अच्छा है कि हमारी सीट, हमारी टिकट काट लेंगे, हमारी वोट काट लेंगे, इनको तो खुश होना चाहिए, पर ये तो रोना रो रही है। क्या चक्कर है? इनको तो खुश होना चाहिए कि बहुत अच्छा होगा, जेमन टूट गई, हमारी जीत क्लियर है। आपके पार्टी बिखर चुकी है, गुटों में बट चुकी है, टुकड़ों में बट चुकी है। एक बसंत सोरेन थे, दूसरा कल्पना सोरेन थे, एक बसंत सोरेन था वहाँ, दूसरा कल्पना सोरेन को थे वहाँ। और आप देख रहे हैं पार्टी किस तरह टुकड़ों में बट रही है, पहले अपनी पार्टी का चिंता कीजिए। आप बाहर लोगों के बारे में बोलने से अच्छा पहले अपने पार्टी को संभाल के रखिए, अपने नेताओं को संभाल के रखिए। क्या तकलीफ है? मेरी पार्टी अगर टूट रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्यों तकलीफ हो रही है? आप ही तो तोड़ने वाले हैं, एक को तो ले गए लालच दे के, अभी 6 महीने बाद पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, आखिरी सवाल, लोअर दगा सीट में जो नाराजगी चल रही है, चमड़ा लिंडा नाराज चल रहे हैं, कयास ये लग रहे कि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं,
फिर सिंहभूम सीट की अगर बात कही जाए, वहां पर भी आप लोगों ने जोबा मांझी को तो उतारा है। संताली आदिवासी होने के कारण हो समाज के जो संगठन है उनके ओर से, मतलब एक तरफ से कहा जाए तो विवाद उठ रहा है, या फिर कह रहे हैं कि उम्मीदवार जो है हो समाज से आने चाहिए, तो कहीं ना कहीं जेएमएम में जो है नाराजगी बगावत ये चली रहा है। हमने जिसको टिकट चुन के दिया, अगर वो हारती है तो पार्टी जिम्मेवारी लेगी, अगर जीतती है तब भी पार्टी जिम्मेवारी लेगी। चलिए, लोबिन हेमरम ने तो बगावत कर डाला है, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी दल के नेता बागी होकर चुनाव लड़े, पहले भी ऐसा होता रहा है और इस बार झारखंड की सियासत ने जो मोड़ लिए हैं, चुनाव में क्या परिणाम होंगे इस पर सबकी नजर टिकी है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं और धन्यवाद करेंगे हमारे अतिथियों का हमसे जुड़ने के लिए।